हेलो दोस्तों, तो जानते हैं मेंस और वुमेन्स क्रिकेट में अंतर यानी डिफरेंसेस। T20 वनडे और टेस्ट मैच में पुरुष और महिला क्रिकेट में अंतर यानी डिफरेंस। नंबर वन, बॉल के वजन और साइज में डिफरेंस। पुरुष क्रिकेट बॉल का वजन 5.5 औंस यानी 156 ग्राम होता है और महिला क्रिकेट बॉल का वजन 5 औंस यानी 142 ग्राम होता है। क्योंकि महिलाओं के हाथ पुरुषों के हाथों के मुकाबले थोड़ा छोटे होते हैं, इसीलिए फीमेल क्रिकेट बॉल का साइज और वजन थोड़ा सा कम रखा गया है। इसके अलावा महिला क्रिकेटर को बैट के वजन में भी कुछ छूट दी गई है। वो अपने बैट का वजन पुरुष खिलाड़ियों के मुकाबले हल्का बैट यूज कर सकती हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है और ना ही कोई महिला खिलाड़ी हल्के बैट का इस्तेमाल करती हैं आजकल। नंबर दो, बाउंड्री लाइन में अंतर। पुरुष क्रिकेट में 71 से 98 यार्ड यानी 65 से 90 मीटर की बाउंड्री होती है और ग्राउंड के हिसाब से भी ये बाउंड्री रखी जाती है, छोटी या बड़ी। लेकिन महिला क्रिकेट में बाउंड्री लाइन फिक्स होती है 60 से 71 यार्ड यानी 55 से 65 मीटर की। तो ये दो डिफरेंस थे तीनों फॉर्मेट के मैचों के लिए। अब जानते हैं T20 और वनडे मैच में अंतर। पहला, फील्डिंग में। पुरुष क्रिकेट में पावर प्ले के बाद बाउंड्री लाइन पर 5 फील्डर लगा सकते हैं, लेकिन महिला क्रिकेट में ऐसा नहीं है, सिर्फ 4 फील्डर को ही बाउंड्री लाइन पर लगा सकते हैं। दूसरा, इनर सर्कल का फर्क। पुरुष क्रिकेट में इनर सर्कल 30 यार्ड यानी 27 मीटर का होता है, लेकिन महिला क्रिकेट में इनर सर्कल 25 यार्ड यानी 23 मीटर का होता है। और अब टेस्ट मैचों के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ियों में डिफरेंसेस। नंबर वन, खेल के दिनों में फर्क। टेस्ट मैच पुरुषों के लिए 5 दिन का होता है, तो वहीं महिला खिलाड़ियों के लिए 4 दिन का टेस्ट मैच होता है। नंबर दो, ओवरों में फ़र्क। पुरुष टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में अधिकतर 90 ओवरों का खेल होता है, तो वहीं महिला टेस्ट में एक दिन में अधिकतम 100 ओवरों का खेल होता है। नंबर तीन, एक घंटे में फेंके जाने वाले ओवरों में फ़र्क। पुरुष टेस्ट मैच में एक घंटे में 15 ओवर करने होते हैं, तो वहीं महिला टेस्ट मैच में एक घंटे में 17 ओवर करने होते हैं। नंबर चार, DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम। पुरुष टेस्ट मैच में खिलाड़ी DRS ले सकते हैं, लेकिन महिला टेस्ट मैच में DRS अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो ये तो थे टेस्ट मैचों में दोनों में डिफरेंसेस। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे पुरुष क्रिकेट में अभी तक फास्ट से फास्ट बॉलिंग 150 से 161 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल फेंकी गई है, जबकि महिला क्रिकेट में सबसे फास्ट बॉलिंग 130 से 135 किलोमीटर की स्पीड से फेंकी गई है। और पुरुष खिलाड़ियों का स्ट्राइक 140 से 160 तक का होता है, तो वही महिला खिलाड़ियों का स्ट्राइक 120 से 135 तक का होता है। और पुरुष क्रिकेटर में छक्के चौके ज़्यादा लगते हैं महिला क्रिकेटरों के मुकाबले, और पुरुष खिलाड़ियों के मुकाबले महिला खिलाड़ियों में लेफ्ट आर्म बॉलर्स और बैटर्स बहुत कम होते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा फ़र्क है पैसा। पुरुष क्रिकेटरों के मुकाबले महिला क्रिकेटरों को बहुत कम फीस या सैलरी दी जाती है। दोस्तों, अब आपके मन में ये भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये नियम रूल्स कौन तय करता है। क्रिकेट में कोई भी नया नियम लाना हो या नियम में बदलाव करना हो, तो ये सब तय करता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, जो पूरे विश्व क्रिकेट पर लागू होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस पुरुष और महिला क्रिकेटरों के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन में सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है, तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।